हेलो दोस्तों, मैं हूं संकेत ग्रीषा हॉस्पिटल वडोदरा से और हम आपके लिए लाएंगे हर हफ्ते एक नई जानकारी कॉस्मेटिक और हेल्थ के बारे में। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवर चैनल ग्रीषा कॉस्मेटिक। दोस्तों आज बात करेंगे टमी टक के बारे में। दोस्तों टमी टक एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें पेट की फैट को स्किन के साथ रिमूव किया जाता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एब्डोमिनोप्लास्टी कहा जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों करवा सकते हैं। ज़्यादातर ये प्रेगनेंसी के बाद महिलाएं करवाती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद वेट कम होने पे एक्स्ट्रा स्किन लूज हो जाती है। दोस्तों टमी टक कॉस्मेटिक के साथ नीड बेस्ड सर्जरी भी है, वो क्यों है वो जानते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों इंडियन वुमेन्स की एवरेज हाइट होती है 4 से 5 फीट और फॉरेनर्स वुमेन्स की एवरेज हाइट होती है 5 से 6 फीट। दोस्तों आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं उनका नॉर्मल वेट होता है 3 से 4 किलो। ये फॉरेनर्स वुमेन्स के लिए नॉर्मल है, लेकिन इतना वेट इंडियन वुमेन्स पे आने पे इनकी कम हाइट होने की वजह से इनको आगे खींचता है और यहाँ बैक में कर्व आता है। कर्व आने की वजह से फ्यूचर में यहाँ पे बैक पेन होता है और ज़्यादा वेट होने की वजह से नी पेन भी हो सकता है। सो ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, नीड बेस्ड सर्जरी भी है। उसके अलावा दोस्तों पहले कई लोग काफ़ी मोटे होते हैं, फिर डाइट करके या एक्सरसाइज करके या बेरियाट्रिक सर्जरी करवा के वेट कम कर लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा स्किन लूज हो जाती है, तो वो कम करवाने के लिए भी टमी टक करवा सकते हैं। दोस्तों ये सर्जरी 3 सिंपल स्टेप में की जाती है। पहले मार्किंग होता है, फिर कट लगाते हैं और एक्स्ट्रा स्किन रिमूव करके उसके बाद स्टिचेस ले लेते हैं। सर्जरी करवाने के बाद दूसरे दिन डिस्चार्ज दे दिया जाता है। पेशेंट को 15 दिन तक प्रेशर गारमेंट पहनना होता है, जिससे कि बॉडी ठीक शेप में आ जाए। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी टमी टक के बारे में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, वेबसाइट लॉगिन कर सकते हो या हॉस्पिटल पे पर्सनली विजिट कर सकते हो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। स्टे फिट, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी।